अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबसुम रियाज रंजो और आप देख रहे हैं एबीएन और साफ डिजिटल। आज इजलास का दूसरा दिन है और आज जो हमें देखने को मिला वो देखने को ये मिला कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अंदर आए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं वो चोर चोर के नारे लगाते रहे। एक बड़ी गहमा गहमी हमें देखने को मिली कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आता था तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे वो घड़ियों घड़ियां दिखाते थे कि ये घड़ी चोर हैं, घड़ी चोर हैं। बैरिस्टर गौर की अगर बात की जाए, अली मोहम्मद खान साहब की बात की जाए, तो शेर अफजल मरवत साहब की बात की जाए, तो ये बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे, अंदर चोर चोर कहते रहे। तो आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल की तरह आ जाए और थोड़ी देर रुके और वो वापस चले गए। शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए तो वो भी इसी तरह आए। इस बार हमें देखने को ये मिल रहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बना जाती है तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम देगी अपने अपोजिशन के पीरियड के अंदर, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा टफ टाइम देंगे हुकूमत को। तो अभी इजलास जो है वो जारी और सारी है। जो नौ मुंतखब अराकीन थे उन्होंने अपने हल्फ उठा लिए और अब जैसे जैसे ताजा तरीन इतला हमारे पास आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे कि आज भी अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा गहमा गहमी हमें मिली, एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे। जैसे कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आता था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चोर चोर कहते थे, और जब कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आता था तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं वो घड़ी दिखाते थे और कहते थे ये चोर चोर है। तो जैसे कोई और नई अपडेट आएगी तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ।